वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 का जिसमें आई ट्वेंटी और आई सिक्सटीन की जो नॉलेज है वो डिस्कस होगी इसका टाइटल है कर्ब लिमिटेड सिक्स मार्क्स का ये पार्ट है यू हैव रिसेंटली ज्वाइंट एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कॉर्ब लिमिटेड सी एल वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर द इंड्रेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी बाय द जूनियर अकाउंटेंट फॉलोइंग तो इसमें एक्चुअली तो थ्री पार्ट थे क्वेश्चन में हम हर पार्ट को सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो दिस पार्ट uh, के इन जनवरी 2020 गवर्नमेंट अलॉटेड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट टू सी एल एट प्राइम लोकेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सीएलिश अट्री सीएल कंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्री बिल्डिंग विच वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ की फैक्ट्री इम्प्लाइज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विल कमेंस ऑन फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन द अकाउंटेंट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द लैंड एज इट वॉज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है इसको रिकग्नाइज करना चाहिए ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट है वाइल द फैक्ट्री बिल्डिंग इज स्टिल अपेयरिंग इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल कमेंस ऑन फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो इसका मतलब है कि फैक्ट्री बिल्डिंग बी कैपिटल इन वर्क इन प्रोग्रेस में गलत शो हो रही है बिकॉज इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन फर्स्ट अक्टूबर तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जानी चाहिए ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड इट शुड ऑल्सो बी डेप्रिशिएटेड फ्रॉम दिस डेट। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ सी एल इज़ टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू वेअर एवर परमिटेड बाय आई एफ आर एस तो जो नॉन मॉनिटरी ग्रांट है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एक फेयर वैल्यू को यूज करना और दूसरा नॉमिनल अमाउंट पर मैयर करना तो हम उसमें फेयर वैल्यू को प्रेफर करेंगे रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस हाउ द अब इश्यूज शुड बी डेल्ट इन द फेटमेंट ऑफ सी एल फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आई एफ आर एस सो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं स्नेरियो के मेन कॉन्टेंट को सामने रखते हुए तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं किया ये गलत है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट फॉर नॉट रिकॉर्डिंग लैंड इज़ इनकरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट कैश में नहीं मिला लेकिन एक एसेट तो आपको मिला है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स तो हुआ है तो इत को इसको जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट कंसिडर करना चाहिए अब किस वैल्यू पे करना चाहिए इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एक फेयर वैल्यू का और एट नॉमिनल वैल्यू का तो इसकी मईरमेंट एट फेयर वैल्यू और एट नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए अब जिस तरह से सी की पॉलिसी डिस्कस की हुई है तो वो ये की हुई है कि जहाँ पर भी पॉसिबल होता है तो वो फेयर वैल्यू पे शो करते हैं लैंड और बिल्डिंग को तो दैट्स तो वाई दे शुड यूज़ फेयर वैल्यू ऑफ़ द लैंड उसको असेस करना चाहिए और उस पर ही इनकी एंट्री होनी चाहिए कि लैंड को डेबिट करें और डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करें एट फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड उसके बाद क्योंकि ग्रांट में जो कंडीशन है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री की है तो इस जो डेफर्ड ग्रांट है इसे इनकम बनाना चाहिए ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग नेक्स्ट इशू ये है कि फैक्ट्री बिल्डिंग को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में शो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अवेलेबल फॉर यूज है फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी तो इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए और इसी डेट से फर्स्ट अक्टूबर से इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी चाहिए तो लाइफ यहाँ पर नहीं गिवन और अमाउंट वगैरह नहीं गिवन लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर थ्री मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए तो दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे